वो लड़के के चार दोस्त जो गांव के ही रहने वाले हैं, उन्होंने उसके उसको ले करके गए थे लतीफ़ शाह बंधा पिकनिक के नाम पर। और शाम होते होते 9 बजते बजते वो लोग वापस आ गए और वो लड़का वापस नहीं आया। हमने पूछताछ करी, उन्होंने कोई सूचना भी दी नहीं दी कि वो लड़का कहाँ रह गया है। हमने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि वो उधर ही उतर गया, रह गया उधर ही। हमने पूछा कि यार दोस्त को काहे को उतार के आ गए तुम लोग, तो उन्होंने जवाब दिया वो उतर गया तो हम क्या कर सकते हैं। वो सभी 2-3 लोगों से बात किया मैंने, सभी ने यही गोल मटोल जवाब दिया, किसी ने सही सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया नहीं कि क्यों किन हालातों में वो छोड़ के आ गए उसको। आज सुबह नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ और जिसके विषय में जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति जो है विजय कुमार यादव नाम का, जिसकी उम्र लगभग 29 वर्ष है, गया में सेना में नौकरी करता था, सिपाही था और ये मूलतः बिहार के कैमूर जनपद के दुर्गावती थाना क्षेत्र के नरौली गांव का रहने वाला था। अपने 5 मित्रों के साथ जो उसी गांव के हैं, ये 8 तारीख को पिकनिक मनाने के उद्देश्य से लतीफ़ शाह जो चकिया थाना क्षेत्र में है वहाँ ये सब आए थे। वहाँ इन्होंने मीट आग बनाया, शराब पी और सभी लोग शराब के नशे में थे। रास्ते में गाड़ी चलाने की ये जिद करने लगा, जिस पर आपस में विवाद हो गया और वो गाड़ी से उतर गया। तभी से तमाम लोग उसकी तलाश कर रहे थे। आज उसका शव मिला है, शरीर पे किसी तरह की कोई चोट आदि के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है। अगर कोई प्रतिकूल बात पाई जाती है तो उन्हें सरकार वाली